तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नया चैप्टर सॉलिड स्टेट। आज के लेक्चर में बिल्कुल हमारे पास बेसिक चीज़ें होंगी सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड क्या होता है और हमें क्या पढ़ना है। आज बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। सॉलिड के बारे में बेसिक चीज़, बेसिक डेफिनेशंस हम जानते हैं जो हम 9th 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। इस चैप्टर में टोटल 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें सॉलिड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। सेकंड पार्ट में जैसे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, लैटिस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में एटम्स सॉलिड के अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं, मतलब हमें एटम्स का अरेंजमेंट पढ़ना है सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड के, डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, अगर उन अरेंजमेंट को थोड़ा सा डिफेक्ट करें तो किस किस तरीके से वो डिफेक्ट आ सकता है उनके अंदर। तो टोटल ये हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले बता देता हूँ मैं सॉलिड स्टेट में से पहले, टोटल फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें, किसी भी मैटर की टोटल फिजिकल स्टेट जो हमारे अराउंड अवेलेबल है, बाकी प्लाज्मा वगैरह की हम बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। टोटल हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है वो है 3 टाइप की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो फिजिकल स्टेट है यही हमारे पास चैप्टर है सॉलिड स्टेट, हमें पढ़ना है सॉलिड के बारे में। ये हमारे पास 12th क्लास में आता है, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यही होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड है हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है, 12th क्लास का जो सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें कंप्लीट लिक्विड तो पढ़ा है हमने। लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड मिलाएंगे तो उसके वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा, बॉइलिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में, कितना डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है हमारे पास गैस, गैस हमने कहाँ पढ़ा है, गैस हमने पढ़ा स्टेट ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट नाम से, दो नाम चलते हैं इसके, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट। तो तीनों फिजिकल स्टेट का हमारे पास एक एक लेक्चर आता है, सॉरी एक एक चैप्टर आता है, जिनमें से लिक्विड और गैस के चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सॉलिड का चैप्टर, ठीक है। तो सॉलिड के चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करते हैं, जो हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं कि बेसिक सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, किसे सॉलिड बोला जाता है। तो सॉलिड हम जानते हैं कि भाई जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, उसे हम सॉलिड बोलते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लो होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा इनकी हाई होती है, ठीक है। तो एक एक करके प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम वाले होते हैं, इनका शेप और साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकेंड हमारे पास कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा इनके बीच में, हाई, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में सॉलिड के अंदर हाई फोर्स अप्लाई होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाई है इसका मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है, तो ये पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाएंगे मतलब इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास हैव इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब इसे ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, जैसे गैसेस को हम कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड भी थोड़े बहुत कंप्रेस हो सकता है, लेकिन सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। क्यों, कंप्रेस करने का मतलब क्या है, जैसे गैस के गैसेस स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई किया, तो ये दोनों पास पास में आ जाएंगे, ये पास में आ गए, ठीक है। अब सॉलिड में तो ये पहले से ही मॉलिक्यूल पास में, अब अगर इनको कंप्रेस किया जाए तो और कितना ज़्यादा डिस्टेंस हम इनका कम कर सकते हैं, इनके बीच में तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो हैव इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब जैसे हार्डनेस को हम रिजिडिटी बोल सकते हैं, जैसे अगर हम कोई भी हार्ड चीज़ लेते हैं, जैसे हम डस्टर ले लेते हैं हाथ में, वुडन ले लेते हैं या वुड ले लेते हैं, वुड को जब कंप्रेस किया जाएगा तो वो कंप्रेस नहीं होता, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, उसकी हार्डनेस को रिजिडिटी बोल देते हैं। और बहुत सारे सॉलिड में मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, इसी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोला जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास प्रैक्टिकल मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेटरी मोशन ओनली। इसका मतलब ये है कि जैसे गैसियस पार्टिकल में, ये गैस है, ये एक वेसल है हमारे पास, वेसल के अंदर हमने गैस पार्टिकल्स फिल किया, तो ये क्या करता है, ये मूव करते रहते हैं, मतलब ये गैसेस पार्टिकल मोशन में रहते हैं। पढ़ा है हम लोगों ने कि वॉल से जाके टकराते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मूव करते रहते हैं, वेलोसिटी भी होती है इनके अंदर।
लेकिन सॉलिड के पार्टिकल के अंदर मूवमेंट नहीं होता। सॉलिड का पार्टिकल कैसा होता है कि अगर मान लो ये कंटिन्यू एक दूसरे से चिपके हुए पार्टिकल, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, अगर मैं कोई किसी टाइप की एनर्जी यहाँ पर देना चाहता हूँ तो ये खुद मूव नहीं होगा, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट हो जाएगा। अब ये वाइब्रेशन वाली एनर्जी ट्रांसफर होगी इसको, यहाँ से ये वाइब्रेट हो जाएगा, ये वाइब्रेशन वाली एनर्जी ट्रांसफर होगी इसको, ये यहाँ से वाइब्रेट हो जाएगा। तो इनका जो मोशन होगा वो किसके थ्रू चलेगा, इनका मोशन चलेगा ओनली एंड ओनली वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, बचपन में पढ़ाया जाता है एक एक्सपेरिमेंट कि अगर हम कोई भी मेटल की रोड लिया, जैसे हमने यहाँ पर आयरन की रोड ले ली, आयरन रोड है ये, इसे मैं एक तरफ से गर्म करना स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ मैंने बर्नर लगाया और बर्नर से मैंने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म करने से ये धीरे धीरे दूसरे एंड तक गर्म होने लग जाएगी। ठीक है, अगर एक तरफ से गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो ये दूसरे तरफ से गर्म हो जाती है। अब दूसरे तरफ से गर्म कैसे हुई होगी, यहां से जब हीट एनर्जी इन मॉलिक्यूल के पास आई होगी तो ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल हीट एनर्जी लेके भाग के यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ होता है कि ये हीट एनर्जी लेगा, फिर ये अपने वाले अगले मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जैसे वाइब्रेशन में बताया था कि ये वाइब्रेट होता है फिर यह ट्रांसफर करता है एनर्जी को, उसी तरीके से जब ये हीट एनर्जी ले लेगा फिर ये अपने अगले वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो एनर्जी जो ट्रांसफर चलता है वो किस वजह से चलता है, यहाँ पर वाइब्रेशन की वजह से, और धीरे धीरे वाइब्रेट करते करते यहाँ पर हीट होने लग जाता है, तो यहाँ से भी ये गर्म होना स्टार्ट कर देगा। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है मोशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमें चैप्टर में यही पढ़ना है, द पार्टिकल इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सम ज्योमेट्रिकल पैटर्न। मतलब जैसे देखो यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है सॉलिड में, ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देखोगे यहाँ पर तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने शेड कर रहा हूँ इन पार्टिकल्स के बारे में, देखो द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक, ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज पैक हैं, इन सम ज्योमेट्रिकल पैटर्न। अब ये जो जिस ज्योमेट्रिकल पैटर्न की बात कर रहा है, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रेगुलर या इररेगुलर के बेस पर हमारे पास आगे सॉलिड क्लासिफाई हो जाएंगे विद स्मॉल वॉइड्स। अब ये वॉइड्स क्या है, जैसे ये चार शेडेड पार्टिकल्स हैं, चार शेडेड मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में ये जो थोड़ा सा स्क्वायर में खाली जगह दिखाई दे रहा है, इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, वॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी के अंदर चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ इसके अंदर छिपी हुई है। देखो वेरी क्लोज पैक होते हैं, तो ये क्लोज पैक किस तरीके से होते हैं वो हमें पढ़ना है। इन सम ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न रेगुलर इररेगुलर, रेगुलर हो तो क्या होता है, इररेगुलर हो तो क्या होता है, वो भी हमें पढ़ना है। और विद स्मॉल वॉइड्स, तो ये जो वॉइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इन वॉइड्स का सॉलिड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें कुल मिला के इनकी ज्योमेट्री, इनकी पैकिंग और वॉइड्स के बारे में अब आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मेन पार्ट की तरफ, जहां से हमारा सेक्शन वन स्टार्ट होता है। तो ये है हमारे पास सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोरफस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाली टेबल पर हम बाद में ध्यान देंगे, सबसे पहले बात करते हैं ये क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है। ठीक है, ये हमें अच्छे से समझना है। देखो क्रिस्टलाइन वर्ड का मतलब है जहां पर भी रेगुलर अरेंजमेंट हो, जहां पर भी रेगुलर अरेंजमेंट हो उसे हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल देंगे। और जहां पर भी इररेगुलर अरेंजमेंट हो, कोई अरेंजमेंट नहीं है, बस एटम्स को उल्टे सीधे तरीके से ऐसे ही हमने अरेंज कर दिया, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे नॉन क्रिस्टल सॉलिड या फिर एमोरफस उनको बोला जाएगा। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम इजीली देख सकते हैं वो है वॉल। जैसे वॉल किससे मिलकर बनी होती है, वॉल मिलकर बनी होती है ब्रिक्स से, ईंट से। कोई भी दीवार किससे मिलकर बनी होती है, ईंटों से मिलकर बनी होती है। अगर हम ईंटों का एक रेगुलर अरेंजमेंट करें, रेगुलर अरेंजमेंट मतलब पहले हमने ब्रिक्स को क्या किया, पहले हमने ब्रिक्स को सीक्वेंस में लगाया, जैसे ये एक ब्रिक्स है, उसके बाद ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ऐसे कंटिन्यू लगाते चले गए। ठीक है, फिर इनके ऊपर एक एक ब्रिक्स और लगाते चले गए, और अगर इसी तरीके से हम ये कंटिन्यू ब्रिक्स यहाँ पर अरेंज करते रहेंगे तो
तो ये यहाँ पर वॉल खड़ी हो जाएगी कंटिन्यूअर अरेंजमेंट में। तो ये जब हमने रेगुलर अरेंजमेंट किया तो इस रेगुलर अरेंजमेंट से एक दीवार बन गई। इस दीवार को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर ईंटों का रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा? अगर इन ईंटों को बिना किसी अरेंजमेंट के ऐसे ही ढेर की फॉर्म में डाल दिया जाए, मतलब हम ईंट लेके आए और उनको इकट्ठा ऐसे ही पटक दिया बिना अरेंज किए, ढेर लगा दिया हमने, तो उस ढेर को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। ये तो हुआ हमें कि जब हमें अरेंजमेंट पता हो कि भाई अरेंजमेंट रेगुलर है तो हम बोल देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अरेंजमेंट इरेगुलर है तो वो हो जाएगा हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल पूछा गया जिसके बारे में हमें अरेंजमेंट के बारे में पता ही नहीं है, या फिर कोई नई चीज़ निकल के आई सामने और उसे हम देख के कैसे बताएंगे कि ये क्रिस्टल होगा या नॉन क्रिस्टल होगा? जैसे पूछा गया NaCl क्या है, क्रिस्टल या नॉन क्रिस्टल, हमें तो अरेंजमेंट पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ईजीली हम ये समझ सकते हैं। अगर किसी भी सॉलिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, अगर हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुंह से बोल सकते हैं तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अगर किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें नहीं पता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम मुंह से बोल ही नहीं सकते, तो वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है, देखो बहुत अच्छी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। मान लो ये कोई भी एक अरेंजमेंट की जगह है, ठीक है। इस अरेंजमेंट पे मैं कोई एटम रख देता हूँ, मैं एक रेगुलर अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, रेगुलर अरेंजमेंट, जैसे ए प्लस के बाद बी माइनस, बी माइनस के बाद क्या आएगा, ए प्लस, ए प्लस के बाद क्या आएगा, बी माइनस। देखो रेगुलर है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। अब ये प्लस है तो ऊपर आना चाहिए माइनस, बी माइनस एंड ए प्लस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ठीक है। ये देखो ये एक मैंने एक रेगुलर तरीके से इनको अरेंज किया। अब अगर मैं इसका सबसे छोटा पार्ट लेना चाहूं तो सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, ए प्लस एंड बी माइनस, क्योंकि इसी के रिपीटेशन से बार बार हम ऊपर तक की ये पूरी वॉल बना पाए। जैसे ए प्लस बी माइनस, एक एरा, दूसरा एरा, तीसरा पार्ट एरा इसका, चौथा पार्ट एरा, पांचवा एरा और छठा एरा। तो ए प्लस बी माइनस का यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इंपीरिकल फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एंड बी माइनस, या फिर हम उसे बोल सकते हैं ए बी, ठीक है। अगर हम बोले कि ए प्लस बी माइनस को रेंडमली अरेंज कर दो, ये ए प्लस, ये बी माइनस, ये बी माइनस, ये ए प्लस, उल्टे सीधे तरीके से अरेंज किया, तो क्या यहां पर कोई ऐसा छोटा पार्ट है जिसका अरेंजमेंट बार बार किया गया हो? देखो ये ए प्लस बी माइनस है, इसके बाद तुरंत बी माइनस दो बार आ गए, उसके बाद ऊपर ए प्लस दो बार आ गए, तो यहां तो कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। तो अगर यहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं है तो क्या इसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा हो? नहीं, यहां पर ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं जिसका रिपीटेशन हो रहा हो, तो हम बोल सकते हैं कि इसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली बताया जा सकता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बताया जा सकता उनको हम बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस। ये सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का। जैसे अगर आप लोगों से पूछा जाए, बताओ वुड का फॉर्मूला क्या होता है, वुड, लकड़ी का फॉर्मूला क्या होता है? लकड़ी का फॉर्मूला अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लकड़ी के फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा मिक्सचर होता है, और वो मिक्सचर एक रैंडम तरीके से अरेंज होता है, तो वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता ही नहीं है। तो लकड़ी क्या हो जाएगी, वुड क्या हो जाएगी, हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन की सॉलिड में आ जाएगी। अगर पूछा जाए कि नमक क्या होता है, सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, हमारे पास NaCl होता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन हुआ। KCl मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ये भी क्रिस्टलाइन हो जाएगा। HCl मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये भी क्रिस्टलाइन हो जाएगा। O2, N2, H2O जिनके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होंगे वो सब क्रिस्टलाइन होंगे। कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो सर सॉलिड के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन O2, N2 ये तो सॉलिड ही नहीं है, ये दोनों गैस हैं, H2O लिक्विड है। ये तब की बात हो रही है कि अगर हम इनको फ्रीज कर दें और फ्रीज करने के बाद अगर इनका सॉलिड बनाए, इन्हीं की सॉलिड स्टेट, तब वो जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। जैसे H2O पानी होता है,
लेकिन जब उसे फ्रीज किया जाए तो क्या बन जाएगा, आइस। तो आइस क्या होती है, आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। इस टेबल में और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, इसे रख कर देते हैं। चलो अब हम टेबल पे देखो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है शेप, शेप या फिर अरेंजमेंट। तो इसका अरेंजमेंट देखो, जैसा भी मैंने बताया क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन तो होते वही हैं, जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है उन्हें क्रिस्टल बोलते हैं, और जिनके अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टल। इजीली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट वाली प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये क्या है और इसे कैसे याद रखें। सिर्फ एक याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था दीवार का, अब दीवार के एग्जाम्पल में हमने ईंटों को अरेंज किया, तो अगर 100 ईंटों को अरेंज किया जाए कंटिन्यू लाइन में, अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट, तो उन वो बहुत लंबे तक जा सकते हैं, उनकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है, किसी भी ऑर्डर में उनको अरेंज कर लो। लेकिन अगर 100 ईंटों का ढेर लगाओगे तो ढेर तो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर इन्हें रेगुलर मैनर में अरेंज किया जाए, रेगुलर मैनर में, देखो मैं ब्रिक्स को अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इनका अरेंजमेंट में तो हम कितना भी लंबा लेके जा सकते हैं ना। लेकिन अगर शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब एमोरफस में अगर मैं ढेर लगाना चाहूँ ईंटों का, एक के ऊपर एक पटक दिया इनको, कितना लंबा जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये रेंज थोड़ी सी यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास नेचर, नेचर में इन्हें बोलते हैं हम लोग रियल सॉलिड, ये रियल सॉलिड है, और ये हमारे पास स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जाम्पल है हमारे पास क्वार्ट्ज एंड ग्लास, मतलब क्वार्ट्ज का जब लिक्विड, क्वार्ट्ज से ही हम क्या बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, तो उसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। और स्यूडो सॉलिड का मतलब होता है, स्यूडो सॉलिड का मतलब है जो काल्पनिक सॉलिड हो, स्यूडो वर्ड का मतलब है जो रियल नहीं होते, अनरियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, उन्हें हम स्यूडो सॉलिड बोल सकते हैं। जैसे मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टी। सॉलिड अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है जिनके मॉलिक्यूल पास पास में है, तो उनको दूर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे अगर हम मेटल को मेल्ट करेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सोच के देखो। प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट आज तक पढ़ा नहीं होगा, लकड़ी का मेल्टिंग पॉइंट आज तक नहीं पढ़ा होगा, जबकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट तुम लोगों को पता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। और मेटलर्जी चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें मैक्सिमम कम उसके मेल्टिंग पॉइंट्स आए थे मैक्सिमम मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स हमें मैक्सिमम लिक्विड फॉर्म में ही हमें वहाँ पर मिलते थे, तो उन सब के मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, वुड का मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या ये सॉलिड की प्रॉपर्टी रख रहे हैं क्या? नहीं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सॉलिड की इनके अंदर नहीं होती, तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, स्यूडो सॉलिड बोल दिया जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टी को बिल्कुल उल्टा रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमारे पास देखो मेल्टिंग पॉइंट ही है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड के हमेशा कुछ ना कुछ शार्प मेल्टिंग पॉइंट होंगे। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आइस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक को जैसे ही हीट करना स्टार्ट करोगे, तो जैसे ही उसे टेम्परेचर मिलना स्टार्ट होगा, वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। वो वेट नहीं करेगा अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, हीट मिलना स्टार्ट और मेल्ट होना वो स्टार्ट हो जाएगा। वुड को अगर हीट देने लगोगे, गर्म करने लगोगे, तो वो मेल्ट नहीं होगा, वो आग पकड़ लेगा, फायर कैच कर लेगा, बर्न होने लग जाएगा। ठीक है, तो वो बर्न होने लग जाता है, मतलब इनके अंदर कोई भी मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो बस यही पॉइंट है हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एमोरफस के अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। इन्हें जैसे जैसे इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ये सॉफ्ट होने लग जाते हैं, मतलब ये लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो नीचे कर्व बनाया गया है, ये एक कूलिंग कर्व बनाया गया है। कूलिंग कर्व मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर अभी हमारे पास टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसे हम कूल करना स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रीज में रख दिया हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, देखो वो 10 डिग्री से कंटिन्यू धीरे धीरे कम होगा, 10, 9, 8,
5, 3, 3, 2, 1 इस तरीके से कंटिन्यू आएगा और फिर लास्ट में 1 से आगे किस पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब अभी हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, वाटर है, आइस नहीं, वाटर है, ठीक है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये वाटर है, अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आइस जमना स्टार्ट होगी, फ्रीज होना स्टार्ट होगा, और जब वो फ्रीज होगा तो वो कम्प्लीटली 0 डिग्री पर ही फ्रीज होगा। मतलब यहाँ से ये टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इतने टाइम में जो हमने अंदर पानी रखा है वो पानी का टेम्परेचर पर कुछ भी चेंज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ फेज चेंज होने का काम करता है इतने टाइम पर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। मतलब इस सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, पानी धीरे धीरे बर्फ में फ्रीज होने का काम कर रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट होने का काम कर रहा है, तो इसे हम सॉलिडिफिकेशन बोल रहे हैं। मतलब 0 डिग्री पर आइस भी एग्जिस्ट करता है और 0 डिग्री पर पानी भी एग्जिस्ट करता है। कभी कभी जैसे हम बीच में से बर्फ निकाल लेते हैं और जब बर्फ निकाल के देखते हैं तो उसमें हल्का हल्का पानी होता है और हल्का हल्का आइस होती है, ना तो वो कम्प्लीटली वाटर होता है और ना वो कम्प्लीटली आइस होती है, हल्का हल्का जम जाता है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो सॉलिडिफिकेशन ही प्रोसेस होता है हमारे पास। कई बार हमने टीवी में भी देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, जैसे कई लेक जम जाती है, उन लेक में क्या होता है, जैसे अगर थोड़ा सा भी पैर हम जोर से मार देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहां से फट जाती है, पूरी की पूरी आइस फट जाती है और नीचे से पानी निकल आता है, तो वो सॉलिडिफिकेशन वाला ही प्रोसेस होता है। अगर लेक कंप्लीट जमने से पहले अगर हम उसे तोड़ने की कोशिश करें और वो टूट जाए तो वो प्रोसेस कहां से कहां तक का होता है, वो यहां से और यहां तक के टाइम का वो प्रोसेस होता है, ठीक है। और जैसे ये भी ध्यान रखना, लेक कभी भी जमती है तो वो कंप्लीट कभी जमती नहीं है, जैसे अगर लेक है तो उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर पर ही आइस होती है, नीचे हमेशा पानी होता है, सिर्फ ऊपर आइस होती है, ठीक है। तो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, देखो तो इस प्रोसेस में अभी क्या हुआ, 10 डिग्री से 0 डिग्री तक हम लेकर आए तो 10 डिग्री से 0 डिग्री तक चेंज हुआ, फिर 0 से 0 तक चेंज हुआ सॉलिडिफिकेशन, और जब ये एक बार जब यहां पर आइस हो जाएगा, यहां पर क्या है, यहां पर वाटर है, उसके बाद ये सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, यहाँ आइस हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा तो आइस का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा, -1, -2, -3, तो ये जो पॉइंट मिले हैं ये एकदम शार्प पॉइंट है हमारे पास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हमने डिफाइन कर दिया ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन क्या इसके लिए कोई भी डिफाइन किया जा सकता है पॉइंट, नहीं, जैसे ही हमने कूल करना स्टार्ट किया ये कूल होने लगा, अगर हम गर्म करना स्टार्ट कर देंगे तो मेल्ट होने लग जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर है नहीं, सीधा इस तरीके से करवा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इनके मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी में क्रिस्टलाइन होते हैं हमारे पास एनआइसोट्रोपी नेचर में एंड एमोरफस होते हैं हमारे पास आइसोट्रोपी नेचर में। अब क्या होते हैं एनआइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी, इसके बारे में बता देता हूँ। मान लो ये यहां पर मैं एक अरेंजमेंट करता हूं, ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट किया मैंने सर्कल एंड क्रॉस का, ठीक है। अब मैं अलग अलग डायरेक्शन से यहां प्रॉपर्टी मेजर करना चाहता हूं, अलग अलग डायरेक्शन से प्रॉपर्टी मेजर करने का मतलब एक डायरेक्शन तो लेता हूं मैं ये और दूसरी डायरेक्शन लेता हूं मैं ये, ठीक है। अब देखो जब इस डायरेक्शन में हम प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्रॉस की भी प्रॉपर्टी आएगी और सर्कल की भी। क्रॉस मतलब मे बी पॉसिबल क्रॉस एन ए प्लस हो सकता है, सर्कल मतलब सी एल माइनस हो सकता है, कोई भी एटम यहां पर हो सकते हैं। तो यहां पर क्रॉस की भी प्रॉपर्टी आएगी और सर्कल की भी प्रॉपर्टी आएगी, क्रॉस की भी प्रॉपर्टी आएगी और सर्कल की भी प्रॉपर्टी आएगी, तो यहां पर इन दोनों की मिक्सचर प्रॉपर्टी आने वाली है, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो या तो ओनली क्रॉस ही है या ओनली सर्कल ही है, मतलब इनमें से सिर्फ एक ही मैटर, एक ही एटम की यहाँ पर प्रॉपर्टी आने वाली है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों एरो के डायरेक्शन में प्रॉपर्टी मेजर करने पर, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कंडक्टिविटी हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, ये प्रॉपर्टी हो सकती है, तो ये प्रॉपर्टी मेजर करने पर सेम नहीं आने वाली, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनआइसोट्रोपी, ठीक है। लेकिन अगर हम रैंडमनेस की बात करें कि मान लो यहाँ पर एटम रैंडम अरेंज है इस तरीके से, तो यहां से मेजर करो या यहां से मेजर करो, यहां पर क्रॉस और सर्कल दोनों ही मिलने वाले हैं क्योंकि यहां पर ये क्या रैंडमली अरेंज्ड है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम टाइप की आएगी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक नेचर, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखो एग्जाम्पल NaCl, Na2SO4, ZnS, सॉल्ट हो सकता है जैसे KCl हुआ या NaCl हुआ कोई भी। तो देखो देखने से पता लग रहा है सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पर ग्लास, रबर, प्लास्टिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी के नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास डिफरेंस क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल के। अब ये डिफरेंस बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा सॉल्यूशन के अंदर होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस में था। सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर दो टाइप के थे। होमोजीनियस मिक्सचर एक रेगुलर मिक्सचर होता है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर इररेगुलर मिक्सचर होता है। तो हम स्टडी किसकी किए थे, हमने स्टडी की थी सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर की, जो चीज़ इररेगुलर है उसकी स्टडी हम कर ही नहीं सकते। सेम इसी तरीके से यहाँ पर दो टाइप के सॉलिड है, एक है रेगुलर सॉलिड मतलब क्रिस्टल और दूसरा है इररेगुलर सॉलिड मतलब एमोरफस। तो यहाँ किसकी स्टडी की जाएगी, ओनली एंड ओनली क्रिस्टल की स्टडी की जाएगी। एमोरफस हमारे पास यहाँ तक आता था सिर्फ डिफरेंस समझने के लिए और ये यहीं पर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन और करेंगे और फिर इसके अरेंजमेंट की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलो।